मैं ये बोलता हूँ कि ईट फूड, आप खाना खाइए, लेकिन किस चीज को खाना बोलना है ये तो डिसाइड कर लीजिए ना पहले। आप एक ऐसी चीज को खाना बोल रहे हैं जो खाना है ही नहीं, और उसको खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, दो चार वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाएं, उसकी जरूरत है। आई नीड 2-3 वॉलंटियर्स टू बी ऑन द स्टेज। ये कुछ है जो आप, या यहाँ से भी ऑडियंस आ सकती है, ये लेके आप इसको लेके थोड़ा देखिए, बांटिए अपने आपस में। यू टेक दिस एंड यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ। ये एक टुकड़ा लीजिए, इसको और टुकड़े कीजिए, आसपास दीजिए। या यू टेक इट इन योर हैंड। और ये बताइए मुझे, आइए इसको, इसमें से कुछ लीजिए और लेके, ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या दिख रहा है आपको? तो ये अगर आप दूर से भी देख रहे हैं तो लीजिए लीजिए लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ले जाके ये लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ले जाके। ये देख रहे हैं तो दूर से पता चल रहा है, ये रोड जो बनता ना, रोड कोलतार, एक्चुअली वही है, केमिकल स्ट्रक्चर वही वाला है, केमिकली वही है। लेकिन इसको बनाया कैसे मैंने, 1 लीटर का कोक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, उसको भगोने में 1 घंटे तक उबाला, जब सारा पानी एवोपरेट कर गया तो जो रह गया वो ये रहा जो आपके हाथ में है। केमिकली इट इज सेम एज रोड। आज से 3 साल पौने 3 साल पहले एक आइडिया आया मेरे पास कि ये केमिकली तो रोड की तरह लगता ही है, और फरीदाबाद जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की हालत आप जानते हैं, अगर जो लोग जानते हैं, सड़कें वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ना जाने कैसे सड़क बनाती है और वो टूट जाता है। तो मैंने अपने ऑफिस के साथ वाला जो सड़क है, मैंने हज़ारों बॉटल्स कोक कोला के एक्सपायरी डेट वाला कोक ले लिया, उसको बड़े बड़े कंटेनर में उबाला, और मेरे ऑफिस के साथ वाला जो सड़क देखेंगे ना, वो सड़क ये रहा, लिटरली लिटरली। और इस बात को 3.5 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की सड़क 3 बार और बन के टूट चुकी है, और ये वैसे का वैसे ही है। मुझे लगता है कोको कोला की क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है, तो ये आज भी ऐसे ही है, आप भी टेस्ट कर देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसलिए भी को सस्ता मिलेगा, उतना पैसा कौन खर्च करे, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यही चीज जब आपके पेट में जाता है तो जरा सोचिए क्या करता होगा। फिर कोई पूछता है कि मुझे ये पीना है, आप बताओ मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि ईट फूड, आप खाना खाइए, लेकिन किस चीज को खाना बोलना है ये तो डिसाइड कर लीजिए ना पहले। आप एक ऐसी चीज को खाना बोल रहे हैं जो खाना है ही नहीं, और उसको खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। अच्छा, ये खाना है कि नहीं है? इट्स नॉट ए फूड। अब मैं इसको खाने लगूं, बोलूं मैं क्यों बीमार पड़ता हूं, तो क्या जवाब होगा? भाई खाना बंद कर दिए, यही तो बोलेंगे ना आप, बोले नहीं तो ये तो खाना है। तो अपने दिमाग का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी।